हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9। पाठ का नाम है द्वितीय क्रियाएं। लेसन नंबर 9 पाठ का नाम है द्वितीय क्रियाएं। इस पाठ में हम पढ़ रहे थे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। मैंने आप लोगों को बताया था कि आकार के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो तीन भागों में किया गया। आकार के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो तीन भागों में किया गया, जिनमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कुटीर उद्योग। सबसे पहले बताया था आप लोगों को कुटीर उद्योग, ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। कुटीर उद्योग ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इस उद्योग में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा साधारण औजारों का उपयोग किया जाता है। अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस प्रकार के उद्योगों में जो तैयार वस्तुएं हैं उनको काम में लेने के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजारों में बेच दिया जाता है। इस उद्योग में खाद्य पदार्थ है, कपड़ा है, फर्नीचर है, बर्तन है, मिट्टी के खिलौने हैं, कागज, आभूषण और पत्तल डोने आदि बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कुटीर उद्योग। दूसरे नंबर का जो उद्योग है वो है लघु उद्योग, जिसको छोटे पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। ये उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होता है। जो लघु उद्योग है ये स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होता है, आसपास के कच्चे माल पर आधारित होता है। इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है। इनमें अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ऐसे उद्योग विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस उद्योग में कपड़े, कागज का सामान, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, चमड़े का सामान आदि तैयार किया जाता है। ये हो गया आप लोगों का लघु उद्योग। और फिर है बड़े पैमाने के उद्योग, जो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है उसमें उसका जो इसको तीन भागों में बांटा गया। जो तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग, जो तीसरा है वह है बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें आप लोग बताएंगे कि इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, संचार की आवश्यकता होती है, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, स्वच्छ जल, सरकारी नीतियाँ आदि की आवश्यकता होती है। जैसे सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, पेट्रोल रसायन उद्योग है, लौह इस्पात और बड़े पैमाने के उद्योग इसके उदाहरण है। तो ये आकार के आधार पर तीन प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में है दूसरे प्रकार के जो उद्योग है वो है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है वो पांच भागों में किया गया है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण आप लोग बताएंगे, सबसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो पांच भागों में किया गया है। इसको पांच भागों में डिवाइड कर लेंगे आप। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो पांच भागों में किया गया है। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कृषि आधारित। तो
कृषि आधारित, फिर खनिज आधारित। कृषि आधारित, खनिज आधारित, फिर रसायन आधारित। रसायन आधारित और उसके बाद में है वन आधारित। कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो पांच भागों में किया गया है। पांचों के नाम बताएंगे, कृषि पर आधारित उद्योग, खनिजों पर आधारित, रसायनों पर आधारित, वनों पर आधारित और पशुओं पर आधारित। इनका जो वर्गीकरण किया गया अलग अलग। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम बताइए। इस टेबल में से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तब आपको उत्तर होगा पांच भागों में, पांचों का नाम लिखना होगा आप लोगों का, ठीक है ना। कौन कौन से? कृषि पर आधारित, खनिजों पर आधारित, रसायनों पर आधारित और वनों पर आधारित, पशुओं पर आधारित। ये पांच नाम आपको बताने होंगे। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को पांच भागों में बांटा गया है, खनिजों पर आधारित, सॉरी कृषि पर आधारित, खनिजों पर आधारित और रसायनों पर आधारित, वनों पर आधारित, पशुओं पर आधारित। इन पांच भागों का वर्गीकरण किया गया है। फिर अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। कृषि पर आधारित चार उद्योगों का नाम बताइए जो कृषि पर आधारित है, उनके बारे में आप लोगों को बताना होगा। तो उनके नाम आप लोग सबसे पहले बताएंगे, चीनी उद्योग, दूसरा है वनस्पति तेल उद्योग, तीसरा है चाय उद्योग, चौथा है रबड़ उद्योग और फिर कॉफी उद्योग। ये कृषि पर आधारित उद्योग है, इनका आप नाम बताएं। कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चाय उद्योग, रबड़ उद्योग और कॉफी उद्योग। ये सारे कृषि पर आधारित उद्योग है। फिर है खनिजों पर आधारित उद्योग। जो खनिजों पर आधारित उद्योग है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। खनिजों पर जो आधारित उद्योग है उसको भी दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसका धातु उद्योग, उसके बाद में खनिजों पर आधारित उद्योग। खनिजों पर आधारित उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, धातु उद्योग और अधातु उद्योग। धातु उद्योग और दूसरा है अधातु उद्योग। अधातु उद्योग, धातु उद्योग। फिर जो धातु उद्योग है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, लोह खनिज और एलोह खनिज। इसको भी दो भागों में लोह खनिज और एलोह खनिज। लोह खनिज और एलोह खनिज। फिर लोह खनिज का जो उदाहरण है वो लोह अयस्क है। लोह खनिज का जो उदाहरण है वो है लोह अयस्क। और एलोह खनिज का जो उद्योग है वो तांबा, एल्युमिनियम, रत्न। तांबा, ये इसके उदाहरण है।
फिर ऐतिहासिक उद्योग, ऐतिहासिक उद्योग के उदाहरण है सीमेंट उद्योग और चीनी मिट्टी के बर्तन। सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। इसके बाद में है रसायनों पर आधारित उद्योग। कि रसायनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कागज, लाख और तारीख का तेल। तारीख तेल उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, दूसरा है ऊन उद्योग। तो ये है जो दूसरे नंबर का जो वर्गीकरण है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो आप पांच भागों में बताएंगे, पांच भागों में कृषि पर आधारित, खनिजों पर आधारित, रसायनों पर आधारित, वनों पर आधारित और पशुओं पर आधारित। फिर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कृषि पर आधारित चार उद्योगों के नाम बताओ। तो कृषि पर आधारित दो नाम बताएंगे, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चाय उद्योग, रबड़ उद्योग, कॉफी उद्योग। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो बोले खनिज पर आधारित उद्योगों कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। फिर अगला प्रश्न पूछे धात्विक खनिज उद्योगों कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज का उदाहरण बताओ, लोहा ऐस, ये इसका उदाहरण हो गए। अलोह खनिज का तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न, ये इसके उदाहरण हो गए। फिर आ जाए अधात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए, जो उद्योग है सीमेंट उद्योग है, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये इसका उदाहरण हो गया। फिर रसायनों पर आधारित चार उद्योगों के नाम बताओ, रसायनों पर आधारित चार उद्योगों के नाम बताओ। रसायनों पर आधारित चार उद्योगों के नाम बताए, पेट्रोल रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेसा उद्योग, नमक उद्योग। और फिर वनों पर आधारित उद्योग बताओ कि वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, कागज उद्योग, लाख उद्योग, तारपीन का तेल उद्योग और इमारती लकड़ी उद्योग। ये वनों पर आधारित उद्योग, कैसे उद्योग जो वनों पर आधारित है, वन होंगे तो उद्योग चलेंगे नहीं तो नहीं चलेंगे। कौन कौन से हैं, कागज उद्योग, क्योंकि कागज के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। लाख उद्योग, लाख से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, लाख उद्योग जो भी वनों पर आधारित है, वनों से लाख प्राप्त होती है। तारपीन का तेल, जो तारपीन का तेल प्राप्त होता है ये भी वनों से ही प्राप्त होता है। और इमारती लकड़ी, अत्याधुनिक आज के जो मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इनके अंदर अच्छे डिजाइन के जो खिड़की दरवाजे हैं, गेट हैं, ये बढ़ाने के लिए इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इमारती लकड़ी उद्योग भी वनों पर आधारित है। और पशुओं पर आधारित उद्योग, आज से तीन चार साल पहले बोर्ड एग्जाम में बच्चों से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि पशुओं पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। पशुओं पर आधारित दो उद्योग, चमड़ा उद्योग, जो चमड़ा प्राप्त होता है वो पशुओं से होता है, और दूसरा ऊन,
ये भी पशुओं से प्राप्त होती है। ये वाला बोर्ड एग्जाम में बच्चों से पूछा गया ऑलरेडी 3-4 साल पहले कि पशुओं पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए, तो उसमें आप ये बताएंगे चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग, ये दोनों पशु पर आधारित उद्योग है। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग आधार पर किया गया है। सबसे पहला आप लोगों ने पहला जो वर्गीकरण देखा हुआ है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण बताइए, तो आप बताएंगे आकार के आधार पर तो उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, ये तो उद्योगों का पहला वर्गीकरण हो गया। और उद्योगों का जो दूसरे नंबर का वर्गीकरण है वो है कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। उद्योगों का जो आगे वर्गीकरण है वो है उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो उत्पाद के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है, मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान उद्योग। मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान उद्योग, मूलभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता सामान उद्योग। मूलभूत उद्योग है, मूलभूत उद्योग के अंदर इसका उदाहरण आएगा लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग ये इसका उदाहरण हो गया है। मूलभूत उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। और उपभोक्ता सामान उद्योग है, उपभोक्ता सामान उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। उपभोक्ता सामान उद्योग है इसका वर्गीकरण 3 भागों में। पहला है बिस्कुट, एवं बिस्कुट एवं खाद्य सामग्री, बिस्कुट एवं खाद्य सामग्री। दूसरा है वस्त्र, और फिर है वाहन उद्योग। उद्योगों का जो वर्गीकरण है उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपसे परीक्षा में पूछे तो आप बताएंगे उत्पाद के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पाद के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान उद्योग। मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान उद्योग, मूलभूत उद्योग है उसके बारे में बताइए, लोहे इस्पात उद्योग आएगा इसका उदाहरण। और उपभोक्ता सामान उद्योग इसको 3 भागों में इसको बांटा गया है, बिस्कुट एवं खाद्य सामग्री, वाहन वस्त्र उद्योग और वाहन उद्योग, इसका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो आप तीनों के बारे में बताएंगे। उपभोक्ता उद्योग आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे कि उपभोक्ता उद्योग या उपभोक्ता सामान उद्योग किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि ऐसे उद्योग जिनका तैयार माल, ऐसे उद्योग जिनका तैयार माल सीधे उपयोग किया जाता है, ऐसे उद्योग जिनका तैयार माल सीधे उपयोग किया जाता है इसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसका वर्गीकरण हो गया उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो समझ में आया आप लोगों को ये। आगे इसको मिटा रहे हैं, अगला वर्गीकरण बताएंगे आप लोगों को स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का जो चौथा वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर, कि उद्योगों पर किसका किसका अधिकार हो सकता है, उद्योगों पर किन किन लोगों का अधिकार हो सकता है। तो उद्योगों का जो चौथा वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।
जो उद्योग का जो चौथा वर्गीकरण है वो चौथा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कि उद्योगों पर किन किन लोगों का स्वामित्व हो सकता है, उद्योगों पर किन किन लोगों का अधिकार हो सकता है, इसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है तीन भागों में किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तीन प्रकार में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, आपसे पूछे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, तो बताएंगे ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है, ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है या सरकार का अधिकार होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारत, इसका उदाहरण है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी उद्योग, ये जो दोनों उद्योगों के नाम बताए ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है जिनमें सरकार का स्वामित्व होता है। फिर है निजी क्षेत्र के उद्योग, ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व न होकर, ऐसे उद्योग जिनका जिनके ऊपर सरकार का स्वामित्व न होकर निजी लोगों का स्वामित्व होता है निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व न होकर निजी लोगों का स्वामित्व होता है निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जैसे उदाहरण इसका टाटा लोहा इस्पात कंपनी, और दूसरा उदाहरण है बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, ऐसी कंपनियां हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व न होकर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। फिर है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तो ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का व निजी लोगों का स्वामित्व होता है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का व निजी लोगों का स्वामित्व होता है, इन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ये तीनों की मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताई। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग, विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग कि विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग कौन कौन से हैं। तो आप लोगों के जो पहला दे रखा है वो है लौह इस्पात उद्योग दे रखा है, लौह इस्पात उद्योग। तो आपसे इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में पहला प्रश्न पूछा जा सकता है लौह इस्पात उद्योग का महत्व बताइए, लौह इस्पात उद्योग का महत्व बताइए। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग कि विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग कौन कौन से हैं, उनमें पहला है लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है लौह इस्पात उद्योग का महत्व बताइए, लौह इस्पात उद्योग का महत्व बताइए। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।